हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। अच्छा, आज मैं आपको बताऊंगा कि प्रोटीन जो है वो कितना लेना चाहिए, ठीक है, या क्या खाना चाहिए, डाइट के तौर पे क्या खाना चाहिए। या जैसे कभी बार ऐसे होता है ना कि जब हम मॉर्निंग वर्कआउट पे जाते हैं, एग्जांपल लाइक 5 o'clock या 6 o'clock, जितने बजे भी आप जाते हो, है ना, तो कुछ खाने को दिल नहीं करता है ना सुबह सुबह, तो आप उसके लिए क्या कर सकते हो वो मैं आपको आज बताऊंगा, ठीक है जी। और अभी हमने क्या करना है, अभी मैं जस्ट जिम से आई हूँ, तो उसके लिए ये खोया, ये कम से कम होगा 50 ग्राम, 50 ग्राम खोया खा सकते हो आप, ठीक है। और ये रसमलाई है, 3 रसमलाई खाऊंगा। और वैसे मेरा दिल कर रहा था थोड़ा सा, तो ये जो है ये भी आप खा सकते हो, मतलब मीन्स के डाइट के तौर पे भी आप खा सकते हो, या अगर मन कर रहा है कुछ ऐसा हल्का फुल्का सा खा सकते हो। ओके, या जैसे ये हो गया पॉपकॉर्न हो गए, ठीक है। अगर आप एग्जाम्पल लाइक जिम से आते हो, मैं अपना ही बता रहा हूँ वैसे तो, क्योंकि जब मैं आता हूँ ना तो एकदम शरीर ना मतलब हल्का सा हो जाता है, तो फिर मैं क्या करता हूँ, बस शावर लेके, गर्म सा गर्म पानी से शावर लेके रेस्ट करने के लिए, बस जब कंबल में बैठता हूँ देन पॉपकॉर्न बना लेता हूँ या कोई मूवी देख लेता हूँ रजाई में, ठीक है, या पास्ता खा लेता हूँ। अच्छा, ये चीज आपने माइंड में जरूर ध्यान रखना कि जो डाइट है, जितनी आपकी आप खा सकते हो उतना ही खाना, ओवरलोडेड मत करना। रात को सोते समय आपको जस्ट हल्का सा ही कुछ खाना है, या आप एक फुल्का या दो फुल्के खा सकते हो, ठीक है, रात को। अगर अगर कुछ लोग मेरे भाई दोपहर को मींस के इवनिंग टाइम जिम जाते हैं, तो रात हो ही जाती है ना। एग्जाम्पल लाइक मैं 3 बजे जाता हूँ, ठीक है, जिम 3 जाता हूँ, और कभी कभार मैं 5:30 छुट्टी भी हो जाता हूँ, मतलब 5:30 के नियर अबाउट में आ जाता हूँ घर पे, या 6 बजे के आसपास आ जाता हूँ, तो नॉर्मली 3 घंटे का वर्कआउट तो मेरा निकलता ही निकलता है, अगर बीच में रेस्ट लेके भी करूँ तो भी। अच्छा, डाइट का मैं सॉरी बता रहा था कि डाइट जो है, डाइट हमको नॉर्मली ही खानी चाहिए, जब आए हैं थोड़ा सा रेस्ट लो, ठीक है, वर्कआउट से शावर लेके, शावर गर्म पानी से शावर लेके, और देन उसके बाद आप ऐसा कर सकते हो कि एक या दो फुलका खा सकते हो, एंड सब्जी जो होगी या कोई भी बाउल होगा खाना, आप 2 बाउल सब्जी, जितनी सब्जी खा सकते हो सब्जी खा सकते हो, ओके, जितना भी आप सब्जी का खा सकते हो वो आप कंज्यूम कर सकते हो। बट जिन मेरे भाई लोगों ने एब्स बनाने हैं ना, एब्स के लिए स्पेशल डाइट्स होती है, तो वो भी मैं आगे आगे चल के बताऊंगा, अगर इस वीडियो को सपोर्ट करोगे आप तो, ठीक है। तो अभी मैं आप बताता हूँ, मैंने तो ऐसा बहुत कुछ सा कंज्यूम करके रखा हुआ। अगर सुबह, जैसे कि मैं आपको पहले बता रहा था कि सुबह कुछ खाने का दिल नहीं कर रहा है ना, एक दूध ले सकते हो, 1 गिलास दूध, दूध के लिए आप बिस्कुट भी खा सकते हो, ठीक है, या अकेला दूध पी के मत जिम जाना, ठीक है, क्योंकि उससे क्या होता है, दूध ना अंदर से ज्यादा कुछ हीट पैदा कर देता है, जिससे हमको वॉमिटिंग आने की हो सकता है, मतलब वॉमिटिंग भी आ सकती है, तो सुबह सुबह कुछ ऐसे नहीं खा सकते ना। तो मैं आपको बताता हूँ कि अगर मॉर्निंग को जाना वर्कआउट पे, ठीक है, तो एक ये है सोलफुल क्रंची मूसली है, ये भी, इसमें भी, इसमें क्या है कि काफी तरह के ओट्स होते हैं, तो यहाँ पे हमारे लिखा हुआ है एनर्जी लेवल जो है 401 है, फैट 4.2% है, फैटी एसिड है इसमें 9, और ये हम नीचे शुरू करते हैं, प्रोटीन जो है 9.7 ग्राम है, डाइटरी फाइबर है 8.6 ग्राम, ग्रेन्स होते हैं, एंड इसमें लिखा हुआ है सुपर ग्रेन रागी रेजन आर्म्स और व्हीट हो गए, ओट्स हो गया, हनी डग हो गया, और जो इसका प्राइस है लिखा हुआ है 275 के आसपास है। तो ये थे हमारे सोलफुल क्रंची ओट्स। तो मैं सुबह को जब मॉर्निंग उठता हूँ, अगर मुझे मॉर्निंग टाइम जिम जाना होगा तो 5 बजे के आसपास, तो मैं इसको कंज्यूम करता हूँ। अच्छा, ये ना हो कि कुछ लोग मेरे भाई क्या करते हैं कि दूध की एक कटोरी ले लेते हैं और कटोरी में दूध डालते हैं और इतना सारा भर लेते हैं, मैंने कुछ लोगों की वीडियो देखी है, तो ऐसा मत करना, ठीक है, या मतलब इसको कैसे खाना है वो। ये जो है ये बन गया हुआ हमारा सुबह का ब्रेकफास्ट। तो इसकी जो प्राइस है सोलफुल की, ये भी मैं शेयर कर दूंगा, ये आसपास आपके मार्केट में या कोई भी मॉल वगैरह होगा तो आपको उसमें से मिल जाएगा, 275 का ये मैं लेके आया था, 275 का, और इसका प्राइस है 395 का, ये मसल बेस कंपनी का, ये कभी आप कुछ भी हायर कर सकते हो इन दोनों में से, ठीक है, अगर मॉर्निंग को ये दूध में मिला के एक बाउल में आप खा सकते हो तो आपका जो वर्कआउट है अच्छा निकल सकता है। और ये थी हमारी मसल ब्लेज की हाई प्रोटीन मूसली, डार्क चॉकलेट एंड कैनबेरी।
तो इसका जो प्राइस है, इसका प्राइस हम देख लेते हैं क्या क्या इसमें। प्रोटीन लेवल जो है 26.75 ग्राम है, जो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था। कार्बोहाइड्रेट 54%, 54.1, तो इसको भी आप कंज्यूम कर सकते हो, ठीक है, मॉर्निंग दूध के साथ। तो इसका जो प्राइस है 395 रुपीज़ है, ये दूध के साथ इसका लिखा हुआ। 50 ग्राम मूसली विद 250 मिली स्किम्ड मिल्क, मतलब कि जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि कोसा मिल्क आप पी सकते हो, उसमें मिक्स करके आप इसको कंज्यूम कर सकते हो। हॉट और कोल्ड गिव्स 18 ग्राम प्रोटीन फॉर ब्रेकफास्ट। दूध को थोड़ा सा स्किम कर दिया और इसमें डालेंगे हम हाई प्रोटीन मूसली। और ये हो गया हमारा मसल ब्लेज का हाई प्रोटीन मूसली तैयार। इसमें 26 ग्राम प्रोटीन होता है। 3 घंटे के बाद कुछ ना कुछ खाते रहोगे तो बॉडी जो आपकी है ना वो गेन जल्दी हो जाएगी। ओके, और एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये नहीं है अभी आप जिम चले गए है ना, अभी जिम करते हुए मतलब वर्कआउट करते समय कि आपकी बॉडी बन जाएगी, ऐसा नहीं है। अगर आप अपनी प्रॉपर डाइट नहीं रखोगे, सिंपली ओनली जिम जाने का कोई फायदा नहीं है। अगर आज जितनी देर तक आप अपनी प्रॉपर डाइट नहीं रखोगे तो उसका कोई फायदा नहीं होगा जिम जाने का। कुछ लोग क्या करते हैं कि वर्कआउट चले जाते हैं, वर्कआउट लगाने लग जाते हैं, जिम में जाके बॉडी बन गई जी चलो जी, पहले दिन ही इतना जोर मार देते हैं कि बस सेकेंड डे हाय दर्द निकलने शुरू हो जाती है। तो जितना वेट आप उठा सकते हो प्रॉपर उतना ही वेट उठाए। प्रोटीन है, ठीक है, इसमें क्या है कि ये जो प्रोटीन स्नैक्स है लिखा हुआ है 4 ग्राम फाइबर, 10 ग्राम प्रोटीन, ग्लूटेन फ्री, लो ग्राम। तो ये इसका जो फ्लेवर है, अभी फ्लेवर क्या आ गया, हाँ ये लिखा हुआ है चाइनीज मंचूरियन, तो इसका ये लिखा हुआ है। न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन जो होगी, सर्विंग साइज 60 ग्राम, एनर्जी लेवल 286 कैलोरीज है, प्रोटीन है 10 ग्राम, 286 कैलोरीज है, सर्विंग इसकी 60 ग्राम है। इसका जो प्राइस है 40 रुपीज है, ठीक है। इसमें काफी तरह के फ्लेवर आते हैं, ये जो हमारे पास फ्लेवर है इसका नाम है चाइनीज मंचूरियन, ये मंचूरियन की शक्ल बनी हुई है। क्रीम एंड ओनियन, स्पेनिश टोमेटो, चाइनीज मंचूरियन, देसी मसाला एंड पेरी पेरी फ्लेवर। जितने मैं आपको पैकेट दिखा रहा हूँ ना स्नैक्स के, तो इसमें जो प्रोटीन है 10 ग्राम के आसपास है, ये लिखा भी हुआ है। 4 ग्राम फाइबर है, ठीक है, 10 ग्राम प्रोटीन है। ये सारे के सारे वेज है, इसमें कोई नॉन वेज यूज नहीं होता। 3, और ये चौथा फ्लेवर है देसी मसाला। 5वां फ्लेवर है चीज एंड जैलापिनो, ओके जी। ये 6ठा फ्लेवर है पेरी पेरी, ये आप देख सकते हो रेड कलर का। तो ये हमारे पास 6 है। जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वर्कआउट तो करते ही करते हैं, बाहर जाके बर्गर वगैरह भी खा लेते हैं ना, तो उनके लिए बेस्ट है अगर बर्गर खाने, जिन्होंने एब्स नहीं लगाने। तो एब्स जो है, एब्स के लिए हमको प्रोटीन डाइटिंग का ध्यान रखना होगा। ओके, तो ये आपको फ्लेवर दिखा लिए हुए हैं, तो ये कभी भी आप खा सकते हो। इसका ये नहीं है कि मॉर्निंग को नहीं खाना, या जब भी आपका दिल करता है तो आप एक पैकेट उठा सकते हो। और एक बात और कि इन सारों का प्राइस जो 40 रुपए के आसपास ही है, 40 रुपीज के ये है एक पैकेट। ओके, हमारे पास कुकीज भी है। इसमें क्या है कि इसमें भी काफी तरह के फ्लेवर आते हैं। तो ये जो हमारे पास फ्लेवर पड़ा हुआ है कुकीज का, ये पड़ा हुआ 7 ओट्स एंड रेजिंस का, ठीक है। तो इसमें जो है 10 ग्राम प्रोटीन है, 4 ग्राम फाइबर है, ग्लूटेन फ्री है, कैल्शियम, नो मैदा। अच्छा, सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें मैदा नहीं है, ठीक है। तो इसकी जो है, इसकी भी मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर जरूर कर दूंगा। कैल्शियम 300 ग्राम, 300 मेगाग्राम, कोलेस्ट्रॉल भी नहीं है, फैट भी नहीं है, और टोटल फैट, अच्छा ट्रांस फैट नहीं है, टोटल फैट है 11%। इसमें भी बहुत तरह के फ्लेवर्स आते हैं, तो मैं एक्चुअली अभी अभी जस्ट 3 ही लेके आया हूँ। ये मैंने आपको कुकीज का बताया था, ये भी आप ब्रेकफास्ट के तौर पे आप इस कुकीज को खा सकते हो। चोको चिप्स फ्लेवर, ओट्स एंड रेन्स, ये जो है हमारा है चोको कोकोनट। तो जो प्रोटीन है वो तीनों में सेम है, 10 ग्राम बॉडी को प्रोटीन कार्ब्स हो गए, ठीक है, इनकी बहुत जरूरत होती है अगर आप वर्कआउट जा रहे हो अच्छे से लगा रहे हो। तो अगर मॉर्निंग आगे जाना चाहते हो मॉर्निंग खा सकते हो, दूध के साथ
खाओगे तो देन आपको बेटर रिजल्ट मिलेगा। अकॉर्डिंग टू वर्कआउट मैं स्टैंड का यूज करता हूँ, BCA, इसमें मसल रिकवरी है, ठीक है, 7 ग्राम BCA है, 20 सर्विंग है इसकी, ब्लूबेरी फ्लेवर में यूज करता हूँ। ये जरूरी नहीं है, इसके साथ लिखा हुआ ब्लूबेरी आइस, तो ये जरूरी नहीं है कि आपको जो है कि शेकर में, मतलब इन शेकर पड़ा हुआ मेरे पास, कि आपको शेकर में मतलब ये पानी फुल करके, ठीक है, पानी डाल के इसमें, तो एक स्कूप इसको डाल के उसमें आइस डालनी है ठंड में। ये कोई मैटर नहीं करता कि हम सर्दी में भी पानी में बर्फ डाल के उसको शेक करके आप पिए अकॉर्डिंग टू वर्कआउट के आसपास, क्योंकि जब हम वर्कआउट करते हैं हमारा शरीर गर्म हुआ होता है ना, तो हम ऊपर से ठंडा पी लेंगे तो इसको गले का नुकसान होगा और बॉडी के अंदर भी नुकसान होगा, जो आपको अंदर से दिखाई नहीं देगा। ओके, तो इसको कंज्यूम आप कर सकते हो 1 स्पून इसका डाल के, देन पानी की बॉटल पूरी ये यहाँ तक शेकर भर के, ओके, उसको शेक करके, तो जो वाटर है तो उसको नॉर्मल कर सकते हो, जिसे पंजाबी में बोले तो कोसा पानी। हम इसका रिव्यू दे रहे हैं, एक्सटेंड ओरिजिनल BCA जो है, हीट कर देना बस, ठीक है। मैं तो वैसे 1100 पे लगा हूँ क्योंकि थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा, मैं जिम के लिए बहुत लेट हो चुका हूँ। जब ये कोसा हो जाएगा पानी, तो देन हम इसको अपने शेकर में भर लेंगे। वैसे तो मेरा ख़त्म हो चुका है बस, और वाटर लिया हमने, और इसको शेक करेंगे। जब जब आप वर्कआउट करोगे तो इसको शेक करके ही पियेंगे तो देन बेटर होगा। ड्यूरिंग वर्कआउट के साथ साथ आप 1-2 सिप इसके ले सकते हो। मैं 2 बार इसको यूज किया हुआ है तो मुझे अच्छा रिस्पांस मिला है, अच्छा रिजल्ट मुझे मिला हुआ है, तो मैं लास्ट पे अपनी जो मेरी फोटोज है, ठीक है, मैं आपको शेयर करूंगा, पहले मैं क्या था और आज के दिन पे मैं क्या हूँ वो आपको मैं इस वीडियो के लास्ट पे शेयर करूंगा, फोटोज देख लेंगे। और माई फिटनेस पीनट बटर, तो पीनट बटर स्मूथी मैं यूज करता हूँ, ठीक है, इसका प्राइस है 499, अरे 1.9 ज्यादा लगा गया हूँ, 499 रुपए का ये इसका है, और इसमें जो है प्रोटीन जो है 32 ग्राम पर में होता है 10 ग्राम, और 100 ग्राम में होता है 13%, कार्बोहाइड्रेट्स 18 के आसपास है, डाइटरी फाइबर भी है, टोटल फैट भी है। डाइट के तौर पर आप ब्रेड के ऊपर लगा के खा सकते हो, आहा खुशबू बड़ी अच्छी आ रही है, ठीक है, तो आप इसको कंज्यूम कर सकते हो, कहीं भी आपको मार्केट से मिल सकता है। ये है चॉकलेट, तो इसका जो प्राइस है ये मेरे पास लिखा हुआ है 65, तो आप एग्जांपल लाइक जैसे आप कहीं बाहर जा रहे हो ना, तो आपको दिन में, एक दिन में कम से कम आप 200 ग्राम भी प्रोटीन ले सकते हो, ठीक है, 100 ग्राम भी प्रोटीन ले सकते हो, जितना लोगे इसका कोई भी नुकसान नहीं है। ओके, तो इसका जो प्रोटीन है, जो मेरी डाइट है, मैं एक दिन में कम से कम नहीं तो 18 ग्राम या 100 ग्राम के आसपास में प्रोटीन लेता हूँ, ठीक है, खाता हूँ कुछ ना कुछ हेल्थ। चोको बेरी बार, ओके, ये है 10 ग्राम, इसके लिए यहाँ पे लिखा हुआ है 10 ग्राम प्रोटीन है, 5 ग्राम फाइबर है, 0 शुगर है, और 2 घंटे की एनर्जी है। चोको बेरी बार ये भी आप कंज्यूम कर सकते हो, इसका जो प्राइस है 65 के आसपास होगा, ये देख सकते हो, ओके, 50 ग्राम इसका वेट है, वजन है, तो इसका भी आप डेली प्रयोग यूज कर सकते हो अगर आपके पास बजट है तो, 65 पीस का ये आपको मिल जाएगा न्यूट्रिशन की शॉप पे। जी दोस्तों, तो कैसी लगी हमारी वीडियो, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमको कमेंट जरूर करना, और हमारी वीडियो को शेयर जरूर करना, और सब्सक्राइब वाला बटन, बेल प्रेस वाला बटन जरूर दबा देना। हम आगे आपके लिए फिर से ऐसी कुछ वीडियोस लेके आएंगे, ठीक है, जिसमें कुछ हेल्दी का होगा, हेल्दी होगा, या कुछ भी ऐसे विटामिन हो गए या कुछ भी करके, हम नेक्स्ट टाइम में फिर आपके लिए एक वीडियो पेश करूंगा। ओके, और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस वीडियो के बाद जो मेरी जो फोटो थी, सिंपल फोटो थी, ठीक है, उसके मैंने यही डाइट रखी है, कम से कम मैंने 1 साल के नियर अबाउट मैंने वर्कआउट किया, तो 1 साल में मैं खुद को कितना गेन कर चुका हूँ, कितना मेरा जो वजन था तब, मेरा वजन 1 साल के पहले आई थिंक मेरा वजन होगा कम से कम 45 किलोग्राम के आसपास, ठीक है, 45 किलो मेरा वजन था, और 1 साल में मैंने अपना वेट भी गेन किया अच्छे से, उसको मेंटेन भी रखा हुआ, अपनी बॉडी को भी मेंटेन रखा हुआ, तो आज के तौर पे मेरा जो वजन है 68 किलोग्राम के आसपास है, मींस 68 किलो वजन है, तो अभी हम और गेन करेंगे, अगर हम और गेन करेंगे तो देन जो हमारी बॉडी है वो श्रिंक नहीं होगी, वो बेटर बाहर को आपको दिखाई देगी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट टू माई वीडियो, माई वर्कआउट। Oops.